डियर स्टूडेंट्स असलकम एज़ यू मे वेल रिमेंबर दैट वी हैव कवर्ड अ नंबर ऑफ आइटम्स विद इन क्विक बुक्स एंड ऑल ऑफ दिस आइटम्स हैव डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑन आर अकाउंट्स जितने भी आइटम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन सब का अफेक्ट हमारी अकाउंटिंग बुक्स में जाता है और वो रिकॉर्ड किए जाते हैं लेकिन आज जो हम आइटम डिस्कस करने लगे हैं वो आइटम बेसिकली हमें फैसिलिटेट करता है हमारी मदद करता है लेकिन इसका अफेक्ट डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में नहीं जाता अब आप पूछ रहे होंगे कि अफेक्ट क्यों नहीं जा रहा इसलिए नहीं जा रहा कि ये एक आइटम सब टोटल आइटम ये ऊपर दिए गए हुए लाइन आइटम्स का टोटल कर देता है ये हमें फैसिलिटेट करता है ऑन स्क्रीन और हमारी मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन में और हमारे ग्रुप्स बनाने में हमारी मदद करता है लेकिन ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करता अब सब टोटल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ गई इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ कि हमें सब टोटल किस तरह से फैसिलिटेट करता है और सहूलत फ्राहम करता है हो सकता है कि जो हम इन्वाइस बना रहे हों उसमें सर्विसेज भी हों और प्रोडक्ट्स भी हों और यह भी मुमकिन है कि उसमें से चंद ऐसे आइटम्स भी हों जो कि नॉन टैक्सेबल हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि टैक्सेबल आइटम का एक ग्रुप बना लें और नॉन टैक्सेबल आइटम का एक और ग्रुप बना लें और उनका सब टोटल ले लें ताकि इन पढ़ने वाले को भी ये समझ आ सके कि जो टैक्स लगा है वो किस अमाउंट पे लगा है बजाय इसके कि वो ऊपर से नीचे तक पूरी इन्वाइस खंगाले और वो आइटम टिक करे जिसके ऊपर टैक्स लगा है उनको ऐड करे और फिर जाके टैक्स कैलकुलेट करके ये देखे कि टैक्स सही है या नहीं इसकी एक और मिसाल ये है कि बहुत सारे आइटम्स जो टैक्सेबल हैं उनके टैक्स रेट फर्क होते हैं हम ये कर सकते हैं कि एक टैक्स रेट रखने वाले को एक सब टोटल दे दें दूसरे टैक्स रेट रखने वाले को दूसरा सब टोटल दे दें और कंप्लीटली एग्जाम को तीसरा सब टोटल दे दें चौथी मिसाल ये है कि हो सकता है कि हम एक टाइप ऑफ आइटम्स को अलहदा ग्रुप करना चाहें दूसरे टाइप ऑफ आइटम्स को अलहदा ग्रुप करना चाहें ताकि हम उसका सब टोटल निकाल लें चौथी मिसाल ये है कि हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं और हमने मुख्तलफ़ पैकेजेज़ अनाउंस किए हुए हैं हम एक पैकेज का टोटल निकाल लें जो कि सब टोटल होगा और उस सब टोटल के ऊपर हम एक डिस्काउंट ऑफर कर दें तो आपने देखा कि सब टोटल हमारे इनवाइस मेकिंग में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और क्लैरिटी लाता है हमारी इन हमारे क्लाइंट्स के कस्टमर के लिए इसलिए सब टोटल ग्रुप सब टोटल का आइटम जो हम क्विक बुक्स में क्रिएट करते हैं दैट बेसिकली बेनिफिट्स आस एज वेल एज आर कस्टमर और क्लाइंट टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट आइटम्स लिस्टेड ऑन अ इन जितनी ज़्यादा आइटम्स लिस्ट होंगे उनको उतनी ही क्लैरिटी लाने के लिए सब टोटल ऑलवेज हेल्प्स ग्रुपिंग सेम टाइप ऑफ आइटम्स सेम टैक्सीबल रेट्स नॉन टैक्सेबल आइटम्स ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट होंगी एक छोटे से आइटम से वो है सब टोटल आइए देखते हैं क्विक बुक्स में हम सब टोटल किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं रजिस्टर करते हैं और किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपनी इन्वास में जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह ये भी एक आइटम है तो हम लिस्ट में जाएंगे और आइटम लिस्ट को हम चूज़ करेंगे क्योंकि एक नया हम यहाँ आइटम डालने लगे हैं तो आइटम को सिलेक्ट करें और टाइप में हम इसको सिलेक्ट करेंगे सब टोटल इसका अगर हम कोई ख़ास नाम देना चाहें हम वो भी दे सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम टू मेक इट सिंपल वी आर गोइंग टू कॉल इट सब टोटल नाउ that we have this name we are going to utilize it to get maximum benefit from the subtotal in our billing invoicing now you can see that this basic item is now available in our list and the type is subtotal there are other type of items as well but this type is basically a subtotal now what we are going to do is, we are simply going to use this subtotal in creating one of our invoices. Invoice, we make it. You know. The simplest method is go to customers or your home screen and click on invoice. We can always select the vendor we want. When you select a vendor, we will a list. आइटम्स की बेस्ड ऑन विच वी वट यूज़र सब टोटल अब हम मुख्तलिफ आइटम्स ले रहे हैं जिसके ऊपर हो सकता है हम बाद में जाके डिस्काउंट भी ऑफ़र कर सकें लेकिन हम एक से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम्स सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उनका सब टोटल किस तरीके से यहाँ नज़र आता है सबसे पहली चीज़ जो हमने सेलेक्ट की है वो डोर हैंडल्स हैं उसकी रेट देखते हुए हमें एक प्राइस मिल गई इसके अलावा हमने कैबिनेट्स चूज़ किए हैं इनकी भी हम क्वांटिटी दे देते हैं आइए लेट्स चूज वन मोर आइटम सो नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट आइटम्स और इन तीनों डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट रेट्स हैं और बेस्ड ऑन दीज रेट्स वी आर गेटिंग द टोटल अमाउंट ल दीज थ्री आइटम्स विद इन एंड इन वॉयस एड अप टू अब हो सकता है कि इन तीन का हम एक पैकेज ऑफर कर रहे हों और अगर हम ये पैकेज ऑफर कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर इससे ज़्यादा पैकेजेस हैं तो उन तमाम पैकेजेस के साथ हम एक सब टोटल लगाते जाएं ताकि हमारे क्लाइंट को भी क्लियर हो जाए कि सब टोटल इन स्मॉल पैकेज का है क्या और इनका पूरे के ऊपर अगर हमें कोई डिस्काउंट देना है तो वो भी हमें क्लियर हो जाए अब आपने जैसे देखा कि जैसे ही हमने सब टोटल इनवोक किया ऊपर दिए गए तमाम आइटम्स का एक सब टोटल हमारे पास आ गया दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल आइटम्स गिवन अबव दैट सब टोटल आइए हम इसके साथ ही चंद और सर्विसेज इधर ऐड करते हैं और उनका सब टोटल लेके देखते हैं लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इनवॉइस के अंदर सब टोटल रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन वो दो दफ़ा हमारे ग्रैंड टोटल में ऐड नहीं होता कि लाइन आइटम ज़रूर है लेकिन इसका इफेक्ट हमारे एंड पे डायरेक्टली नहीं जा रहा है हमने वंस अगेन चंद सर्विसेज आइटम सेलेक्ट किए हैं और अब हम एक और सब टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं सो इन इफेक्ट वी हैव टू सब टोटल्स नाउ वन फॉर आर प्रोडक्ट्स एंड द अदर वन फॉर आर सर्विस एंड आर ग्रैंड टोटलिकली आर समीज टू सब टोटल्स ये जो हमने दो सब टोटल हमारे पास आ रहे हैं इनका ग्रैंड टोटल नीचे दिया गया है विथ एप्लीकेबल टैक्स जो भी उसके ऊपर टैक्स लगता है उसके बाद टैक्स लगा है टोटल आया है और ये ग्रांड टोटल आ गया सो so, Within an invoice, now we have two groups, one of product and another of services, and to make it clear to our customer, provide clarity to our clients, हमने sub total item का इस्तेमाल किया है। अब आप लोगों को clear हो गया होगा कि sub total हमें किस तरह से facilitate कर सकता है, हमारे मनाए गए groups का total देगा। हमारे इन में क्लैरिटी लाएगा लेकिन याद रहे ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा टोटल हमेशा सब टोटल्स को मिला के आ जाएगा बीच में सब टोटल आ रहा है तो ये नहीं होगा कि ऊपर वाला टोटल दोबारा से सब टोटल में ऐड हो जाए ये क्विक बुक्स का अपना फंक्शन है सो इन कंक्लूजन सब टोटल बेसिकली फेसिलिटेटर्स in bringing clarity and in grouping different items making sets of item within an invoice for our users as well as our clients and customers